नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत शुक्रवार 23 जुलाई से हो चुकी है। बता दें कि इस वर्ष हो रहे ओलंपिक्स में 206 देशों ने भाग लिया है, जिसमें खिलाड़ियों की गिनती 11,000 बताई जा रही है। कोरोना वायरस के चलते टोक्यो ओलंपिक्स को एक साल तक स्थगित किया गया था, जिसके बाद कल टोक्यो ओलंपिक की मशाल जलाकर इसकी शुरुआत की गई। बता दें कि ओपनिंग सेरेमनी में पहले 10,000 से ज्यादा लोग शिरकत करने वाले थे, पर बाद में इस गिनती को कम करते हुए इसे 1,000 से भी कम कर दिया गया। इस ओलंपिक की खास बात ये रही कि इस बार अपने देश का झंडा लेकर सिर्फ पुरुष खिलाड़ी ही नहीं बल्कि महिला खिलाड़ी भी नजर आई। ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जा सके। अगर बात करें भारत की, तो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का मार्च पास्ट 21वें नंबर पर हुआ। इस दौरान हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह पगड़ी बांधे नजर आए। वो तिरंगा हाथ में लेकर आगे निकले। इस तरह मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम के नेतृत्व में भारतीय दल टोक्यो में ओलंपिक स्टेडियम में पहुंचा। उद्घाटन समारोह में 19 खिलाड़ी और 6 अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारत का दल झंडा लेकर पहुंचा, तो उस समय खड़े होकर तालियां भी बजाई। मोदी पिछले कुछ समय से ओलंपिक्स में गए एथलीट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर रहे थे और उनका हौसला भी बढ़ा रहे थे। उन्होंने पीवी सिंधु से ये वादा भी किया है कि अगर वो इस बार मेडल लेकर आती हैं, तो वो उनके साथ आइसक्रीम भी खाएंगे। इस साल भारत की ओर से कुल 125 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो कि अभी तक भारत का सबसे बड़ा दल है। भारत के 125 खिलाड़ी 84 मेडल इवेंट्स में इस बार हिस्सा ले रहे हैं। खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वन इंडिया स्पोर्ट्स के साथ।